गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लेसन पॉइंट फर्स्ट प्रावस्था के आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चुंबकीय गुण के बारे में बात करेंगे। चुंबक पदार्थों को उनके चुंबकीय गुण के आधार पर हमने पांच प्रकार में डिवाइडेड किया है। पहला आपका अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ और चौथा आपका है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ और लास्ट में जो आपका है फेरी चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, पहले बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह आकर्षित तो होते हैं, ठीक है, परंतु आकर्षित होते हैं दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये ऐसे पदार्थों द्वारा अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित किया जाता है जिनके परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल लेंगे NO नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 ऑक्सीजन, क्रोमियम और मैंगनीज। ठीक है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। दूसरा होता है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो आपके चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, और यह उन गुणों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें पूर्ण रूप से उनके इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, यानी उनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल देंगे तो टाइटेनियम ऑक्साइड, वैनेडियम ट्राइऑक्साइड और NaCl जो इसके आपके होते हैं एग्जाम्पल होते हैं। तीसरा जो आपका होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये स्थायी रूप से चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये पदार्थ आपके एग्जाम्पल लेंगे तो लोहा, आयरन, निकिल, कोबाल्ट जो आदि होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इनके इन पदार्थों में जो इनके इलेक्ट्रॉनों का जो संरेखण होता है वह एक ही दिशा में होता है। ये इनका संरेखण होता है, इस वजह से इनमें स्थायित्व चुंबकत्व गुण आ जाता है। ठीक है, ये आपके लौह चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में भी लौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा भी देते हैं तो भी यह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। चौथा होता है आपका प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो अनुचुंबकत्व होते हैं। ठीक है, प्रतिलोह चुंबकीय कहलाते हैं। ठीक है, जिनको अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनमें कुछ मात्रा में जो चुंबकीय गुण होता है और इनका जो संरेखण होता है वह ऐसा होता है, इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच जो संरेखण होता है एक वह शून्य नहीं होता है, वह का
शून्य नहीं होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लेके हम तो आपके Fe 2 O 3 जो इसका फेरस ऑक्साइड जो इसका Fe 3 O बॉन्ड होता है, इनके एग्जाम्पल होते हैं, ये आपके फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों ने देखा अनुचुंबकीय पदार्थ, इसमें आप आयोनिक पूरी तरह से आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो पूर्ण रूप से आकर्षित ना होते हैं। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ जो पूरी तरह से आकर्षित होते हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी क्या होता है, त्रिमेय चुंबकीय जो गुण है स्थायी रूप से हो जाते हैं, इनका संरेखण इस प्रकार होता है। यह आपका प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, इसमें इसका अलाइनमेंट जो होता है, संरेखण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, इसका इसका चुंबकीय आपका शून्य होता है, और आपका लास्ट जो है फेरी चुंबकीय पदार्थ होता है।